हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पिंटू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व तो बताऊंगा। कौन कौन व्यक्ति प्रमुख थे वो सभी को बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो कहीं ना कहीं पीएससी और व्यापम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और एक बार और बता दूं दोस्तों, मैं पूरे छत्तीसगढ़ को, समग्र छत्तीसगढ़ जो कि गवर्नमेंट की बुक है दोस्तों, समग्र छत्तीसगढ़ उस बुक से मैं कंप्लीट करा रहा हूं दोस्तों। तो मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से आंसर लिया जाता है दोस्तों, पीएससी हो या फिर व्यापम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। मैं यहाँ पर लिखा हूँ, पहला नंबर व्यक्ति लिखा हूँ, शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह दोस्तों बिंझवार जनजाति के थे। शहीद वीर नारायण सिंह क्या थे? बिंझवार जनजाति के थे। और वो सोना खान का विद्रोह हुआ था दोस्तों, उस विद्रोह का सबसे प्रसिद्ध नेता थे शहीद वीर नारायण सिंह। अगर आपसे पूछे तो शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार जाति के थे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों पीएससी में कि शहीद वीर नारायण सिंह किस जाति के थे, तो ब से बिंझवार और ब से वीर नारायण सिंह। ठीक है, अगला मैं लिखा हूं दोस्तों, गुंडा धूर। गुंडा धूर किस जाति के थे? तो धुरुआ जाति के। देखिए, गुंडा धूर, धूर और धुरुआ, धूर और धुरुआ एक ही टाइप से है। तो गुंडा धूर क्या थे? वो धुरुआ जनजाति के थे। और दोस्तों, गुंडा धूर जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो भूमकाल का विद्रोह हुआ था 1910 में, उसके प्रसिद्ध नेता थे यही गुंडा धूर विद्रोह। गुंडा धूर जो थे वह भूमकाल के विद्रोह हुआ था, उसके प्रसिद्ध नेता थे, 1910 में हुआ था। अगला नाम आता है दोस्तों गेंद सिंह। गेंद सिंह किस जाति के थे? तो अबुझ माड़िया थे। और गेंद सिंह परल कोट के विद्रोह 1825 में हुआ था, उसका प्रसिद्ध नेता थे। मैं क्या बोला? गेंद सिंह। गेंद सिंह क्या थे? अबुझ माड़िया थे। और अबुझ गेंद सिंह का क्यों प्रसिद्ध है? तो 1825 में परल कोट विद्रोह हुआ था, उसके नेता थे दोस्तों। इसके बाद अगला आता है संत गहिरा गुरु। संत गहिरा गुरु कंवर जाति के थे। संत गहिरा गुरु कंवर जाति के थे और ये अपने आश्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। संत गहिरा गुरु आश्रम दोस्तों जसपुर जिला के सामरबाड़ में स्थित है। जसपुर जिला के सामरबाड़ में संत गहिरा गुरु जो है उनका आश्रम है दोस्तों। और संत गहिरा गुरु जो है वह कंवर जाति के थे। अगला नाम आता है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा क्या होता है दोस्तों? बिरसा मुंडा जो है वह मुंडा जाति के हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था 1895 में, उसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा और वो मुंडा जाति के हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों तानसेन भगत। तानसेन भगत दोस्तों उरांव जनजाति के थे और उरांव जनजाति का समुदाय के लिए कार्य किए थे 1914 में तानसेन भगत। अगला नाम आता है दोस्तों महेंद्र कर्मा। महेंद्र कर्मा जो कि माड़िया जनजाति के थे और इन्होंने नक्सलियों के लिए विद्रोह किया था दोस्तों, सलवा जुलूम। सलवा जुलूम जो था दोस्तों वो 2005 में हुआ था, सलवा जुलूम आंदोलन था दोस्तों। सलवा जुलूम विद्रोह किए थे यही महेंद्र कर्मा। और महेंद्र कर्मा क्या हैं? तो माड़िया जनजाति के हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से व्यक्तित्व तो समाप्त होता है दोस्तों। अब मैं कुछ पुस्तक बताऊंगा और उसके राइटर। तो पहला नंबर है दोस्तों बैरियर एल्विन। बैरियर एल्विन मानव शास्त्री थे दोस्तों, और ये 4-5 बुक लिखे हैं, उनका नाम नोट कर लीजिएगा, बुक का हमेशा क्वेश्चन आता है। पहला नंबर था द बैगास, दूसरा नंबर था द अगरिया, और तीसरा नंबर था द गौर, और चौथा नंबर में है दोस्तों द माड़िया एंड देवार घोटुल। द माड़िया एंड देवार घोटुल। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, बैरियर एल्विन कौन कौन से बुक लिखे हैं? पहला नंबर है द बैगास, दूसरा नंबर है द अगरिया, द गौर और द माड़िया एंड देवार घोटुल। अगला नाम दोस्तों यहाँ पर लिखने के लिए अटा नहीं, तो मैं बोल के बता दे रहा हूँ आप लोग को, एससी राय का दोस्तों द बिरहोर बुक है। एससी राय का बुक है दोस्तों द बिरहोर। द बिरहोर किसका बुक है पूछेगा? तो एससी राय का। और अगला है दोस्तों श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे लिखे हैं द कमार। श्यामा चरण दुबे का बुक कौन सा है? तो द कमार। अगला नंबर है दोस्तों पी बी नायक।
पी बी नायक कौन सा बुक लिखे हैं? तो द भील। पी बी नायक का बुक है दोस्तों द भील। द भील ये बुक लिखे हैं पी बी नायक। दया शंकर नाग अगला राइटर है दोस्तों। दया शंकर नाग इनका बुक है द ट्राइबल इकोनॉमी। द ट्राइबल इकोनॉमी कौन लिखा है? तो दया शंकर नाग लिखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।